लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भानु भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भानु और भाइयों आज हम खड़े हैं फिलहाल अंजीर के बाग में। अंजीर जो बहुत ही स्वादिष्ट मीठा फल होता है और बहुत कीमती बहुत मूल्यवान फल होता है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 300 रुपए किलो 400 रुपए किलो, वैसे अंजीर 1200 रुपए तक किलो भी बता रहे हैं किसान। और फिलहाल हम गांव मढ़ान के डॉक्टर राजेंद्र सिंह सिहाग के खेत में खड़े हैं, जहां पर इन्होंने 2 से 3 एकड़ में अंजीर का बाग लगाया हुआ है और 3 एकड़ में और लगने जा रहा है। तो आपको अंजीर के बारे में सारी चीजें बताएंगे, किस समय लगता है, कैसे लगाया जाता है, इसका भाव क्या मिलता है और क्या क्या इसकी देखभाल करनी पड़ती है और कितना मुनाफा किसान कमा सकता है, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। और फिलहाल हमें बाग की जो कटिंग कर रखी है आपको दिखाने जा रहा हूं मैं बाग की कटिंग। ये देखिए, ये है अंजीर का पौधा, ये अंजीर का पेड़ है, इसकी फिलहाल कटिंग कर रखी है। ये अब मौसम इसका जो है थोड़े दिन में शुरू हो जाएगा अंजीर लगना इस पे, और ये अंजीर की कटिंग करके ड्रिप सिस्टम से है। ये देखिए लाइन से लाइन, और सभी बातें पूछेंगे प्रताप सिंह जागड़ा से। अब इसकी दिसंबर के महीने में कटिंग कर दी जाती है और अभी इसके जुलाई और अगस्त में, जून जुलाई में इसके ऊपर फल आ जाएगा जो बहुत ही महंगा बिकता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी, अंजीर के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ हैं प्रताप सिंह जांगड़ा। तो लोक प्रसार देखने वाले सारे साथी मेरे पास बैठे हैं भाई, जो अंजीर की खेती करने वाले केयरटेकर श्री प्रताप सिंह जांगड़ा, जो हमेशा इस बाग के अंदर रहते हैं और फिलहाल सारी बात पूछेंगे। एक एक पॉइंट आपने देखने का है किसान भाइयों, कैसे अंजीर की खेती की, कितनी महंगी, स्ट्रॉबेरी से भी महंगा होता है ये अंजीर, और पंसारी की दुकान पर आप कभी लेने भी गए होंगे और अंजीर कितना बढ़िया फल होता है, सारी बात। राम राम जी, सारे मेरे दर्शकान राम राम कर दो। राम राम जी। अच्छा, सबसे पहले तो प्रताप जी आप ये बताइए कि कितने एकड़ में आपने ये लगा रखा है टोटल? ये अभी हमने लगा रखा था 5.5 एकड़ में। अच्छा जी। लेकिन उसमें कुछ पौधे उस टाइम पर खराब हो गए, क्या कारण हुआ पता नहीं। अभी हमारे 2.5 एकड़ में है ये। अच्छा, पौधे। हाँ। तो 2.5 एकड़ अभी बाकी पौधे हैं, वो आने से मान लो कि दूसरे महीने में पिछले साल ये लॉकडाउन चलने के कारण और न आ सके, लेकिन वो अब आएंगे, कल आए या परसों आएंगे पौधे। पर अच्छा। तो जो फैक्ट्री वाले हैं वो एक बार लगा के जाएंगे, दोबारा वो खत्म हो जाएंगे, उसकी जगह भी है वो लगा के जाएंगे, फिर बाद में आपका खत्म हो तो आप कलम बढ़ाओ और आप लगाओ ये। अच्छा तो, अच्छा दूसरी पहली बात ये बात पूछी आपने, अब नू बताओ कि पौधा तो पौधे की लाइन तो लाइन की दूरी कितनी है? पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 10 फुट की होनी चाहिए। अच्छा। मान लो चौगड़ा का गुणिया की तरफ होना चाहिए और 10 फुट इस साइड में, 10 साइड में, चौगड़ा का मतलब 10-10 फुट का फैसला होना चाहिए। 1 एकड़ के अंदर यानी 400 पौधे लगेंगे, 2 एकड़ के अंदर लगाए तो 800 पौधे लगते हैं। तो अच्छा ये बताओ आप कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? 400 पौधे लगते हैं। 400। हाँ। और इसका पता है आपने के राजेंद्र रक्षा ने बताया कितने पैसे की पौध आती है क्या? ये पौधे पहले तो आती थी 300 रुपए की। अच्छा जी। लेकिन अब इसकी पौध की कीमत 400 रुपए हो रही है। अच्छा जी, 400 रुपए की एक पौधा। हाँ, एक पौधा है इसकी। अच्छा जी। अच्छा इसमें के डाला करो आप, खाद खूद किसी डाला करो, कितना पानी की जरूरत पड़े है इसके अंदर? ये 3-4 दिन के अंदर पानी देते रहो ड्रिप सिस्टम से। अच्छा। और इसके अंदर गोबर की खाद, केचुआ खाद है, ये खाद डालते रहो और इसमें स्प्रे करो, मान ले की जो भाई फंगस का रोग ना लगे उस सागरिका की हुई ऐसी। कौन से रोग है इसमें? इसमें फंगस का रोग और निमेटोड का। निमेटोड। हाँ। अच्छा। जो कि जड़ के अंदर गांठी गांठी बनती है। अच्छा। उसको निमेटोड बोलते हैं। हाँ। तो उसके लिए दवाई आता है अमो बीन दवाई हुआ डाल दू उसका बार गए। हाँ। तो उससे वो खत्म हो जाए। हाँ। और ऊपर फंगस के रोग के लिए शीशी हवाई मानो तो वह शीशी की स्प्रे कर दो। अच्छा। तो महीने में 15 जब भी आपको ये मालूम हो पत्ते पीले होने लगे या थोड़े उनके दाग से होने लगे तो उस टाइम पर उनके वह फंगस करो की स्प्रे कर दो। अच्छा जी। एक पौधा या 1 एकड़ में
गणित तो करी यानी मिनिमम कितनी फसल पैदा देश का एक पौधा? एक पौधा जी कम से कम जो 8-10 किलो तक भी दे दे है, हैं रोग नहीं लगे तो बिल्कुल, लेकिन मालूम की 5 लाख से कम है एक एकड़ के अंदर पैदा नहीं होगी इसके अंदर। अच्छा, एक एकड़ में 5 लाख की पैदा होती है, जो है छह मतलब एक साल में एक ही बार फल देता है? हाँ, एक बार देता है, पूरे साल भी नहीं लगता। अभी मानो अब लगेंगे फल, हमारे कल आएंगे या परसों आएंगे पौधे, तो उनका ये मानो कि 7-8 महीने में फल शुरू हो जाएगा। अच्छा। और अब हमने कलम बना रखी है उनकी, कलम तो देख रहा हूं मैं। ये कलम है, ये फूटनी शुरू हो रही है, इनका भी उसी टाइम पर फल लगना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी कलमा का भी? हाँ, इनका भी फल लगना शुरू हो जाएगा। ये जैसे ये, हाँ, ये कलम हाँ, है, ये फूट के पूरा ये पौधा हो जाएगा, पूरा पौधा हो जाएगा बाद में। हाँ, ये मान लीजिए तैयार हो जाएगा, फल लगेगा, फल लगेगा, इसके फल लगेगा, यानी लगाते ही फल शुरू हो जाता है। हाँ, लगाते वही सारे उसी साल फल फल देता है। बहुत बढ़िया बात जी। कितना यानी 8-7 किलो 5 किलो फल दे देगा? हाँ, इतना आराम से दे, इतना बड़ा पौधा भी, इतना तो ये पौधा फैल जाता है ना। अच्छा, वो पूरा फैलेगा? हाँ, पूरा फैलेगा ये। हाँ, ये कलम। अच्छा जी, ये कलम बेचते हो अपने खेत के लिए? नहीं, हम भी तो हमारे खेत के लिए है भाई, कोई पौधा कंडम हो जाओ तो लगा दो। हाँ, क्यों, पिछले साल हमने कम से कम 500 बनाए थे, तो 500 पौधे एंड में खत्म हो रहे थे, उनकी जगह लगाई लगाई तो वो आए, फिर डॉक्टर भी आया आके, मानो हमारा डॉक्टर राजेंद्र सियाग और जो उनका डॉक्टर है वो भी आके देखा, बोले जी आपके कलमों का भी बोले फल लगना शुरू हो गया है। अच्छा। तो इसकी कीमत है जी, ये मतलब अपन सारी के जाके बुद्ध हो ना, तो 1200 या 1500 रुपए किलो मिलेगा सूखा जोड़ी के अंदर पुया हुआ। अच्छा अच्छा। और कच्चा माल मालो की भाई 300 रुपए, अब कीमत कम है क्या ये मालूम नहीं, लेकिन 300 रुपए किलो जाता था पहले। आपके यहाँ 300 रुपए किलो बेच के आते थे? हाँ, लेके जाते आर्या माल 300 रुपए किलो बिकता है। तो एक पौधे का 8 किलो मान लियो, तो 400 पौधे हमें 30 क्विंटल माल हो गया। 5 लाडो जी 5 किलो लाडो एक पौधे का, 40 पौधे हो गए, 400 पौधे हो गए, 400 में 520 क्विंटल माल हो गया, 20 क्विंटल माल, 20 क्विंटल माल, 30,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से 3×2=6 लाख रुपया का, 6 लाख रुपया हो गया। अच्छा, इसमें लागत कितनी? और तो देसी खाद गिरो हो तो तुम्हें गिर दे ना, और कोई देसी खाद, गोबर की, केचुआ खाद, और कोई कुछ खुदाई कुछ नहीं, और कुछ ये कुछ नहीं, उनकी बाढ़ का देखो घास काटता रहना पड़ा है, खोदी करनी पड़े है, तो ये चीज करना रहना पड़ा है। बाकी 1 किलो में 6 लाख रुपया की आमदनी है, 5 लाख तो नॉर्मल मान लो फिर भी, 5 लाख तो कम से कम हल्का, और नहीं तो 6 लाख की भी हो उसका इसमें, फालतू भी हो सकती है, रोग नहीं लगने, रोग नहीं लगा है, जानकारी होनी चाहिए रोग की। अच्छा, तो आप एक बात और बताओ, फल यो जो है बाजार में बेच के आओ का उड़ते ले जाना? हमारा फल तो कंपनी वाले दे जाते हैं। अच्छा, जहाँ से पौध ले आए वो? हाँ, वो ही ले जाता है, और हमारे पेमेंट कर दे फिर, और वो ही लेके जाता है यहाँ से। तो मान लो हम इशार भेजे हैं, तो इशार बस में दर्जे हैं, तो वहाँ से वो अपने आप सार लेते हैं, अपने आप किराया देते हैं वहाँ का। अच्छा अच्छा। और अभी ये मान लो कई जगह लग गए हैं अब, तो अब की बार गाड़ी यहाँ आने लग जाएगी, तो कम हो, अभी मान लो जिसका हाथ तोड़े हैं उसका 20 किलो या 10 किलो, उनके लिए गाड़ी नहीं आवा, लेकिन जिसका क्विंटल है 50 किलो वो उतरना शुरू हो जाएगा। अभी बाडिया में लगा रखे है, मंगाले में लगा रखे है, तो ये लगाने शुरू हो रहे हैं, तो ये गाड़ी फिर यहाँ आने लग जाएगी, यहाँ के ले जाएगी रही। अच्छा, तो 6 लाख रुपए इनकम हो जाती है साल की एक एकड़ में। हाँ। और ज्यादा खबात नहीं है भाई इसकी, पौध लगाओ और बस आम किसान अपने खेत में संभालते रहो, इस तरह संभाल करनी है, ड्रिप सिस्टम से पानी लगाना है। पानी, और फिर दूसरी बात कि लोग पारंपरिक खेती में जुटे हुए हैं, 6 लाख रुपए एक एकड़ में किसी हालत में कमाई को नहीं हो सकती, लेकिन बागवानी में हो सकती है। आप मेरे चैनल लोक प्रसार हरियाणा पर हमेशा देखते रहते हो किसानों को कितनी आमदनी लेते हैं लोग, और ठाट से रहते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि वो पारंपरिक खेती की तरफ नहीं जाते, वो बागवानी करते हैं, और बागवानी के ऊपर सरकार भी बड़ी सब्सिडी देती है, हर तरह की सहायता देती है। और ये देखिए बुजुर्ग किसान है तो भी, तो 2.5 एकड़ में है तो 6×12=3, 18 लाख रुपए सालाना कमाता है 2.5 एकड़ में। 18 लाख रुपए थोड़े नहीं होते हैं, 18 लाख रुपए किसको कहते हैं, 18 लाख रुपए की खेती या एकड़ भी। और कितने किले में एकड़ में लगाने जा रहे हो आप? अभी 1.5 किले में और लगाएंगे, अब कण खड़ा है, ये कण कट के उसी जगह लगाएंगे। अच्छा अच्छा, तो इसका जो है फल यानी कि कब आना शुरू हो जाता है? इसका फल जी अभी मान लो कि 7वें महीने से शुरू हो जाता है, और 11वें महीने
ताकि इसका फल बराबर चलता रहता है खूब। अच्छा, उसके बाद ठंड पड़ने पर इसका माल इसकी कटिंग कर देते हो? हाँ, इसकी कटिंग, इसको छांग देते हो, इसको झाड़ी नो मांगो, इसको छांग के बिल्कुल कलम कलम छोड़ देते हो, डेढ़ या दो फुट ऊंचा काटना पड़ता है। तो ये देख लियो भाई, किसान भाइयों, ये कलम भैया लगा रखी है, इस कलम पे भी इस साल फल लगेगा। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है। और अंजीर इतनी कीमती चीज है, बाजार में लेने जाते हैं तो 1200-1300 रुपए किलो मिलता है, और यहाँ से किसान के यहाँ से 300-400 रुपए किलो में जाता है। और ये फसल खेती करोगे तो फायदे में रहोगे, मुनाफे की खेती देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा।